नमस्कार दोस्तों, टारगेट हाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनएचएम के थ्रू एक और भर्ती विज्ञापन आ चुका है। पोस्ट की बात करें दोस्तों तो लैब टेक्नीशियन, साथ में स्टाफ नर्स एवं अदर कई पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको नोटिफिकेशन का PDF और अप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको दोस्तों इसमें ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, उसके लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। अप्लीकेशन फॉर्मेट दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और दोस्तों, ये भर्ती विज्ञापन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, तो आपको NHM के थ्रू इसमें पोस्टिंग दी जाएगी और अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। डायरेक्टली इसमें हम बात कर लेते हैं कितने पोस्ट हैं और आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे तो देख सकते हैं इसमें पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो मेडिकल ऑफिसर के लिए रहने वाला है। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 18 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपके पास MBBS डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास इंटर्नशिप भी होना ज़रूरी है और टोटल 18 पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए, तो सेकंड नंबर पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 43 टोटल पोस्ट हैं। अलग अलग इसमें दोस्तों प्रोग्राम के तहत आपका सिलेक्शन होगा। NUHM तहत 13 पोस्ट हैं और SNCO के लिए 13 पोस्ट है, NRC के लिए 13, RBS के प्रोग्राम के तहत 4 पोस्ट है। तो ये आपका प्रोग्राम वाइज पोस्ट बताया गया है। और बात करें क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो आपके पास जनरल नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपके पास BSc नर्सिंग कंप्लीट है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें दोस्तों GNM वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे और जिनके पास BSc नर्सिंग कंप्लीट है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपके पास आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस भर्ती विज्ञापन में दोस्तों केवल आंध्र प्रदेश वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। NHM के थ्रू आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो अगला जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट 6 शामिल है और आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों DMLT वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे और BMLT वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, साथ में MLT वाले कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और टोटल 6 पोस्ट है। साथ में दोस्तों STLS के भी लिए इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी STLS के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 शामिल है और इसमें आपसे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है और आपका दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है पैरामेडिकल काउंसिल आंध्र प्रदेश में। और इस भर्ती विज्ञापन में केवल आंध्र प्रदेश वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों STLS में आपसे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन का भी मांगा जा रहा है, साथ में आपके पास व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपको अलग अलग बताया गया है क्या क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे मांगा जा रहा है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आपसे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर में मांगा जा रहा है और दोस्तों इसमें देख सकते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है डिग्री डिप्लोमा और ये ड्राइविंग लाइसेंस तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिटी मैनेजर के लिए, तो एक ही पोस्ट इसमें शामिल किया गया। इसमें MBBS और डेंटल IUS वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और साथ में नर्सिंग वाले जो हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। 7 नंबर पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 शामिल है। आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए या फिर आपके पास BPharma कंप्लीट है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इस पोस्ट में आवेदन कर पाएंगे और जो कैंडिडेट डिग्री वाले हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों आपके पास DPharma है या फिर BPharma है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे।
और दोस्तों फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल में आपका ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और लास्ट जो पोस्ट है दोस्तों ELGS के लिए इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। 10th पास कंप्लीट वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। टोटल 2 पोस्ट इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। ये भर्ती विज्ञापन 8 अलग अलग पद के लिए जारी किया गया, जिसमें टोटल 76 टोटल पोस्ट शामिल है। NHM के थ्रू भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको बताया गया है, इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन 8/12/2023 8 दिसंबर को भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है। और आवेदन करने के लिए समय आपको बताया गया 11 दिसंबर से दोस्तों 15 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। शाम को 5 बजे तक आपको समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। और देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के लिए भी आपको बता दिया गया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपका रहेगा वो 20/12/2023 20 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। और फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट होगा 27 दिसंबर को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया मेथड ऑफ सिलेक्शन। टोटल 100 मार्क का ये आपका वो बनेगा और 75% आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे रहेगा। और आपका जो डिग्री डिप्लोमा होगा दोस्तों उसके बेस पे आपको 10 मार्क मिलने वाला है। तो इसी के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा डायरेक्टली विदाउट आपके इंटरव्यू और एग्ज़ाम के आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और जो कैंडिडेट कोविड पे काम किए हैं उनको भी इसमें मार्क मिलने वाला है। 15% आपको कोविड के तहत मिलने वाला है। और जो कैंडिडेट इसमें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं उनको भी इसमें परसेंट बेसिस पे देख सकते हैं। जो 6 मंथ के ट्राइबल एरिया में वर्क कर रहे हैं उनको 2.5 मार्क मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है, आप देख लीजिएगा ये PDF डाउनलोड करके। और बात करें आपको अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई दोस्तों आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना होगा। डायरेक्टली आपको इसके ऑफिशियल एड्रेस पे जाके वहाँ पे जमा करना होगा आपको अप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आपको आवेदन करने के लिए अप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना होगा, DD के रूप में आपको ये आवेदन अपना अप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। और अप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको बता दिया गया है फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के नाम पे आपको ये DD बनवाना है। फॉर OC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये और SC ST और BC फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 200 रुपये आपको इसमें अपना अप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। DD के रूप में आपको अपना ये अप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। और आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको अटैच करके जमा करना होगा, साथ में जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके वहाँ पर जमा करना है। और इसके ऑफिशियल एड्रेस पे दोस्तों आपको अपना आवेदन जमा करना होगा, डिस्ट्रिक्ट गोदावरी वहाँ पे आपको अपना आवेदन जमा करना है। और ये PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।